गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बारिश जो है वो थोड़ी सी चली गई है, बट फिर से आ सकती है। और ना मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं ना, ये देखो ये वाला जो पौधा था ना, जो दूसरे पॉट में था वो मैंने इस पॉट में लगा दिया है। और यस, और एक बत्ती, ये देखो यहाँ पे मैंने दुर्वा लगाई है, अच्छे से ग्रो हो रही है वो। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में वो दूसरे पॉट में लगाया था, बट मैंने सोचा कि चलो इस पॉट में तो वैसे भी कुछ नहीं था, तो इसकी वजह से इसमें लगा दिया। एंड ये बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। वैसे पॉट आपको थोड़ा ख़राब दिखाएगा क्योंकि इसको यहाँ पे ना मिट्टी लग चुकी है, उसको मुझे क्लीन करना पड़ेगा। तो ये मैंने कल काम कर दिए थे, वो आपको दिखाना रह गया था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। और बस अभी बजे है 12 बज चुके हैं आज, वैसे मुझे लेट हो गया थोड़ा बहुत सा। वैसे मेरे काम तो वैसे हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ सब्जी बनाना है और राइस लगाना है, और बाकी के सारे काम हो चुके हैं। और इस बालकनी में ना पूरा पानी आ चुका है, ये देखो पूरा पानी आ चुका है। यहाँ पे ऑयल में मैंने प्याज और टमाटो और जो कड़ी पत्ता होता है वो डाल दिया है, और अभी मैं इसमें हल्दी पाउडर और जो मसाला होता है वो डाल दूँगी। आप यहाँ पे गरम मसाला भी डाल सकते हो, बट मुझे सिंपल सी ग्रेवी टाइप की सब्ज़ी बनानी है, तो इसकी वजह से मैं सिंपल ही बना रही हूँ। तो बस इन सारी चीज़ों को भूनना है, और उसके बाद ये गवार और जो ब्लैक चीज है वो इसमें डालने हैं। तो इनको मैंने थोड़ा देर बॉईल करके ही लिया था, ताकि ये जो सब्जी है वो जल्दी बन जाती है। और अभी मैं इसमें ना जो पिसा हुआ कोकोनट और प्याज होता है ना वो डाल दूंगी, और बस पानी डाल दूंगी, और बस इसको थोड़ी देर तक पकाना है, बस इससे सब्जी बन जाती है। तो यहाँ पे ना अभी मैं जो पिसा हुआ है ना कोकोनट और प्याज, उसको बस मैंने डाल दिया, और ये इस तरह से थोड़ी सी ग्रेवी टाइप की सब्जी बन जाती है। थोड़ी देर तक मैं इनको ऐसे ही पका दूंगी, और बस ये सब्जी हो जाएगी। तो कल ना मुझे एक कल नहीं परसों आया था मैसेज आया था मुझे FB पर आया था, किसी मेरी ही एज की है वो, और उन्होंने मुझे पूछा था कि मतलब मैं क्या करती हूँ कि मेरे जो वीडियोस होते हैं ना वो मैं FB पे पोस्ट करती हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आप जो पोस्ट करती हूँ वो क्या है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि मेरा यूट्यूब चैनल है और वहाँ पर मैं व्लॉग्स बनाती हूँ और मैं व्लॉगर हूँ, ओके। तो मैंने उनको ये जवाब दिया। तो उन्होंने फिर से मुझे क्वेश्चन किया कि ये आप क्यों करती हो। फिर तो उनका एकदम जो ये क्वेश्चन था ना, मैं ऐसे सोच में पड़ गई यार कि ये ऐसे क्यों सवाल किया मुझे, क्योंकि मतलब दो अर्थ मीनिंग हो जाते हैं ना उसके, कि मतलब इनको पता नहीं है इसलिए बोल रही है, या फिर इनको मजाक लग रहा है इसलिए बोल रही है, समझ में नहीं आया मुझे। तो मैंने उनको अभी तक रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि एक साइड पे मुझे उसका गुस्सा भी आया और एक साइड पर मुझे हंसी भी आई। तो गुस्सा इस बात का आया कि मैं पोस्ट कर रही हूँ, मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है ना। और दूसरा हंसी आई कि अगर उनको शायद पता नहीं होगा कि व्लॉगिंग क्या होता है, व्लॉग बनाना क्या होता है, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई, क्योंकि यस हंसी आने का यही रीज़न है क्योंकि वो मेरे ही एज की है, और मेरे एज के सारे लेडीज़ या फिर जो भी सब लोग हैं उन सभी को पता होगा ना कि यूट्यूब पे वीडियो क्यों डालते हैं, व्लॉग क्यों बनाते हैं, या ट्रैवलिंग के कितने भी सारे वीडियोस होते हैं, रेसिपी क्यों होते हैं, वो क्या टाइम पास के लिए वीडियो बनाती है? ऐसा तो नहीं होता ना, आगे जाकर कुछ मिलने वाला है, कुछ बनना है उनको, इसलिए वो वीडियो बना रही है ना। नहीं तो ऐसे ही कौन इतनी मेहनत करेगा, क्यों करेगा कौन,
अगर ऐसा कुछ मिलने वाला आगे नहीं होता तो वो कोई जॉब कर लेता, क्या करना है, क्यों करना है हमें, तो कुछ आगे मुझे बनना है, कुछ करना है, कुछ मिलना है, इसके वजह से मैं ये काम कर रही हूँ ना, नहीं तो मैं क्यों टाइम पास कर लेती इस पर और इतनी मेहनत भी क्यों लेती है ना। तो मुझे ऐसा लगा ना उस वक्त कि यार ये कौन सा अजीब सा क्वेश्चन मुझे उसने किया। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यूट्यूब के बारे में या फिर व्लॉग के बारे में, वीडियो के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। उन लोगों को ऐसे लगता है ना कि हम वो जो वीडियो बनाते हैं, जैसे कि वो टिकटॉक वगैरह आते हैं ना, जो वीडियो आते हैं ना उन पर, बहुत सारे कॉलेज के मतलब स्टूडेंट वो बहुत सारे होते हैं ऐसे लोग कि वो उस पर वीडियो बनाते हैं और ऐसे ही डालते हैं। कुछ लोग टाइम पास के लिए भी डालते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो उन लोगों को क्या लगता है कि मैं ऐसे ही काम कर रही हूँ, तो मैं ऐसा क्यों करूँगी काम, मुझे कोई मतलब मैं टाइम पास तो नहीं करना चाहती ना, मैं क्यों करूँगी टाइम पास। तो मुझे उनका बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया। और वैसे भी वो अगर मेरे वीडियो देख लेती, जो मैं लिंक वहाँ पे डालती हूँ, वो जो वीडियो मैं शेयर करती हूँ, वो वहाँ पे जाकर वो अगर देख लेती, तो वीडियो देख के क्या होता है कि नीचे भी उससे रिलेटेड और भी कई चैनल्स के वीडियो आ जाते हैं। तो बाकी के भी वीडियो हम देख लेते हैं ना, जब रिलेटेड में आ जाते हैं तो तब हमें धीरे धीरे तो पता चल जाएगा ना कि व्लॉगिंग क्या होता है, क्यों लोग व्लॉग करते हैं, है ना। मुझे इसका जवाब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि मैं उनको क्या जवाब दूँ, तो मैंने उनको जवाब नहीं दिया है। शायद उनको आगे पता चल जाए कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ। तो आप मुझे बता दो, बहुत सारे मेरे यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं, तो आप मुझे बता दो कि आपको ऐसे कोई सवाल करता है क्या, कि आप फिर आपको क्या एक्सपीरियंस है, मुझे ज़रूर बता दो। और मुझे अगर हो सके तो मुझे इसका आंसर भी दे दो, जो मैंने अभी बताया ना, जो उन्होंने मुझे पूछा कि आप ये क्यों करती हो या फिर किस लिए करती हो, ऐसे बोला था उन्होंने, किस लिए करती हो। तो इसका आंसर मुझे ज़रूर देना कि आपको अगर किसी ने पूछा कि आप काम क्यों, किस लिए करती हो, क्या ज़रूरत है वगैरह, तो इसका आप जवाब क्या जरूर मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मुझे भी हेल्प हो जाएगी ना। मेरे साथ वैसे एक्सपीरियंस है लोगों का, आपके साथ भी कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। यहाँ पे देखो, ये है DIY, जो कि काम चालू है, कल से ही काम चालू है। जैसे जैसे रेडी हो जाएगा ना, वैसे वैसे मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। वैसे बहुत सारे DIY आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो धीरे धीरे काम चालू है, तो वो हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाई दूंगी। और हाँ, तो अभी मेरा सब कुछ लंच का वगैरह सब कुछ काम हो चुका है। तो मुझे ना पिछले मतलब मैंने जो मेरा गांव का वीडियो डाला था ना, गांव हम गए थे तो उस वक्त का, तो वहाँ पे उस वीडियो पर एक कमेंट आया था कि उन्होंने मुझे पूछा था क्योंकि हमने वहाँ पे जो नारियल के पेड़ थे ना, उनको हमने खाद डाला था, तो उस तो एक कमेंट आया था कि क्या खाद डाला था। तो मैंने उनको बोला था कि यूरिया और सुफला, ये दो खाद होते हैं, वो हमने डाले थे। तो उन्होंने फिर से मुझे क्वेश्चन किया कि उन्होंने मुझे बोला कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं, तो इसके वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ, और कितने क्वांटिटी में खाद डालना चाहिए। ओके, तो कितने क्वांटिटी में खाद, ये मुझे भी नहीं पता। वैसे मुझे खाद के नाम भी नहीं पता थे, मैंने पूछ लिए थे। और कितने क्वांटिटी में अगर बात करूँ ना, तो उस पेड़ के ऊपर डिपेंड होता है कि कितने क्वांटिटी में खाद डालना चाहिए। क्योंकि कुछ पेड़ जो होते हैं ना, वो अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, और उनको अच्छे से फल अच्छे से लग जाते हैं। कुछ जो पेड़ होते हैं वो वीक होते हैं, तो उनके पेड़ों के ऊपर ये डिपेंड होता है। तो बस मुझे इतना ही पता है और मुझे इतना नहीं पता। तो बस दो प्रकार के खाद डाले जाते हैं, और नमक भी डाला गया था। तो ये इस तरह से डाला जाता है और पेड़ जो है ना, वो अच्छे से हो जाते हैं, ग्रो भी हो जाते हैं, और इनको अच्छे से जो फल होते हैं वो आ जाते हैं। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच कि आप मुझे कमेंट करते हो और
आप सवाल भी कर सकते हो या फिर कुछ अच्छा लगता है तो भी आप मुझे बता सकते हो। तो जितने भी सारे मेरे व्यूवर्स हैं उन सभी को थैंक यू कि आप मुझे कमेंट करते हो और वीडियो को लाइक करते हो। तो यहाँ पे थोड़ा मेसी था तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, और धूल बैठ जाती है ना तो क्लीनिंग करना पड़ता ही है। मुझे ये जो टेसल्स है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। आप लोगों को पसंद आते हैं मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और ना मेरे आईब्रो देखो कितने बढ़ गए हैं। मैं कितनी महीनों के बहुत सारे मंथ हो गए होंगे मैंने अभी तक पार्लर में गई नहीं हूँ, क्योंकि कोरोना का चल रहा है तो कौन जाएगा पार्लर में। तो मेरे बहुत सारे आईब्रोज तो वैसे एकदम से देखने लायक तो है नहीं, बट क्या कर सकती हूँ, जाने का ना मन ही नहीं कर रहा है पार्लर में, पता नहीं क्यों। तो अभी सुबह राज बोल रहा था मुझे कि जाके आ जाओ पार्लर में, कितने दिनों से ऐसी रहोगी। तो सोच रही हूँ कि कब जाओ यार, आज आज तो पॉसिबल नहीं, आज मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, ऐसे ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो आज ना मैंने पूरियां बनाई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, अभी दिखा रही हूँ। तो ये थोड़ी सी पूरियां रह चुकी है, वो हम कल सुबह चाय के साथ खा लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा राइस भी रह चुका है तो मैंने ऐसे रख दिया है। और सारा मेरा किचन काउंटर टॉप है ना उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। बर्तन देखो कितने सारा ढेर पड़ा हुआ है, मतलब बर्तन धो के मैंने यहाँ पे भी थोड़े नीचे रख दिए क्योंकि उसमें जगह नहीं थी। और बस वहाँ पे पानी भर रहा है, जो मैं ये कॉपर के बॉटल में पानी रख देती हूँ ना, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो इसके वजह से मैं हमेशा ये रात को बॉटल ना ऐसे इसमें पानी भर के रख देती हूँ और सुबह हम पी लेते हैं वो पानी। तो गाइस मैं अभी इस वीडियो को जो है वो यही पेंट कर रही हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग भी देखना मत भूलिएगा। तो चलिए अपना ख्याल रखो और बस इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहो, खुश रहो और पॉजिटिव भी रहो। बाय बाय।